तो बच्चों, आज हम बहुत सुंदर सी कथा सुनने वाले हैं, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो बहुत साल पहले की बात है, बहुत घना जंगल था, और उस घने जंगल में एक बहुत श्रेष्ठ ऋषि मुनि रहते थे। कौन रहते थे? ऋषि मुनि। और ये ऋषि मुनि का नाम था ऋषि जमदग्नि। क्या नाम था? ऋषि जमदग्नि। जमदग्नि, यस। तो ऋषि जमदग्नि जो थे वो बहुत दिल के उदार थे। उदार का तात्पर्य क्या होता है? बहुत लविंग थे, बहुत ज्यादा केयरिंग थे, और हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहते थे। ऐसा उनका नेचर था, ऋषि जमदग्नि का। और ऋषि जमदग्नि जो थे वो हमेशा दूसरों को बहुत सेवा करते थे। उनके मन में हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ देना है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है, हमेशा ये गुण थे। और इन्हीं के श्रेष्ठ बालक का नाम था परशुराम। क्या नाम था? परशुराम। अब भगवान परशुराम जो है, भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के वो अवतार थे। भगवान परशुराम जब छोटे अवस्था में थे तब से बहुत ज्यादा निडर थे, बहुत ज्यादा बलशाली थे, और बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। वो पापा की हर बात मानते थे, ऋषि जमदग्नि की हर बातें मानते थे। तो ऋषि जमदग्नि एक दिन सोच में गिर गए कि मैं मेरे बालक को कहां पर शिक्षा दूंगा। बालक को शिक्षा देने के लिए कोई गुरु चाहिए। तो बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए, और चिंता करते करते वो शंकर जी के पास चले गए। भगवान शंकर के पास जाने के बाद उन्होंने भगवान शंकर को व्यथा बताई कि मेरा बालक जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत बलशाली है, बहुत पराक्रमी है, तो उसको ऐसा कोई बलशाली आचार्य चाहिए, बलशाली शिक्षक चाहिए, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे सके। तो शंकर भगवान बोलते, कोई बात नहीं, मैं परशुराम जी को ट्रेनिंग दे दूंगा, आप उसको मेरे पास भेज दो। तो कई वर्षों तक परशुराम जी जो है वो भगवान शंकर के पास रहे। वहां पर उन्होंने शास्त्र सीखे, शस्त्र सीखे, और बहुत सारे पुराण सीखे। सब सीखने के बाद में परशुराम जी जो है वो वापस अपने घर चले गए। शंकर भगवान ने उनको बोला कि आप घर जाइएगा, और अभी आप आपके जो एजुकेशन लिया है उसको आप सफल कीजिएगा, उसका यूज कीजिएगा। तो यूज कैसे कीजिएगा? शादी करके और घर गृहस्थी बसा के इत्यादि करके। पर परशुराम जी ने शादी नहीं की, वो अपना नियमित जीवन पालन करने लग गए। उसके बाद में हुआ यू बच्चों कि परशुराम जी जो है वो एक दिन बाहर चले गए थे, बाहर चले गए थे, और बाहर जाने के बाद में वहां पर एक है राज सहस्त्र बाहु अर्जुन नाम के राजा है राज सहस्त्र बाहु अर्जुन। तो ये सहस्त्र बाहु अर्जुन जो थे, उनकी बहुत बड़ी विशाल सेना जो थी, जो परशुराम जी के घर के निकट से गुजर रही थी, और निकट से गुजर रही थी। तो जमदग्नि ऋषि ने क्या किया? उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग यहाँ पर रुक जाइए, मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ। तो वो इतनी बड़ी विशाल सेना जो थी, जो इनके घर के निकट से निकल रही थी, वहां से निकलने के बाद में उनका रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था जमदग्नि ऋषि ने कर दी। और सहस्त्र बहु राजा बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, बहुत ज्यादा शॉक हो गए कि इन्होंने इतने छोटे से कुटिया में रहने के बाद में हमारी इतनी विशाल सेना के लिए तैयारी कैसे की। तो उन्होंने छुपके से देखा तो जमदग्नि ऋषि के पास में एक मैजिकल काऊ थी। मैजिकल काऊ जो थी उसका नाम था कामधेनु। क्या था? कामधेनु। अभी कामधेनु जो थी ना बच्चों, कामधेनु गाय जो है वो हमारे हर एक डिजायर्स को फुलफिल कर देती है। जैसे शकला का बुम बुम की पेंसिल देखी हम लोगों ने जो ड्रॉ किया वो आ जाएगा, वैसे कामधेनु भाई के पास हमने जो भी जाके बोला ना कि हम लोगों को अगर बड़ा बंगला चाहिए तो वो दे देती है, हमको बहुत बड़ी कार चाहिए तो दे देती है, हमको बहुत बड़े हाथी चाहिए तो दे देती है। तो वैसे कामधेनु गाय ने क्या किया? कामधेनु गाय ने इनको पूरी व्यवस्था करके दे दी। और जो ऋषि मुनि थे जमदग्नि, वो इस गाय को माँ के समान देखते थे, माँ के समान पालते थे, पोसते, सब कुछ करते थे। तो हुआ यू कि सहस्त्र बहु राजा को पता चल गया कि जमदग्नि ऋषि के पास में ये सीक्रेट है, ये गाय जो है वो सीक्रेट है। तो वो गए उनके पास में, जमदग्नि ऋषि के पास में, और उनको बोलते हैं कि मुझे अभी आपकी कामधेनु गाय चाहिए। क्या चाहिए मुझे? आपकी कामधेनु गाय चाहिए। तो जमदग्नि बोले, नहीं, ये गाय तो मेरी माँ है, इनकी मैंने माँ कैसे सेवा की है, मैं ये गाय तो आपको कभी नहीं दूंगा। फिर वो बहुत गुस्सा हो गए, रुष्ट हो गए, सहस्त्र बाहु अर्जुन बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए, और उन्होंने अटैक कर दिया। किसके ऊपर? जमदग्नि ऋषि के ऊपर। और जमदग्नि ऋषि जो थे वो उनको उन्होंने मार दिया।
मार देने के बाद में वो जमीन पर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, मरे हुए पड़े थे। और फिर ये सब राजा चले गए और तभी परशुराम जी धीरे धीरे घर में आए। जब बाहर गए थे वो घर में लौटते, देखते क्या अपने पिताजी मरे पड़े। और पिताजी के प्रति उनको बहुत ज्यादा प्रेम था, पिताजी के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह था। तो पिताजी के बदला लेने के लिए उन्होंने सहस्त्र बाहु अर्जुन से बहुत घोर युद्ध किया और परशुराम जी ने 21 टाइम्स यानी कि 21 बार क्षत्रिय लोगों को हराना शुरू किया धरती पे 21 टाइम्स युद्ध करने के बाद में। और जितने बार क्षत्रियो को धरती से हराया उस धरती माता को ब्राह्मण को दान करना शुरू कर दिया, सारे क्षत्रियो को मार के ब्राह्मण को दान करना शुरू कर दिया। तो जब आखिरी बार वो पृथ्वी को मार के कश्यप मुनि को दान करने वाले थे तो कश्यप मुनि ने बोला मैं ये दान स्वीकार करता हूं, अभी मुझे प्रॉमिस करो कि अभी आप दान किए हुए धरती पर पैर नहीं रखोगे। परशुराम जी बोलते अरे ये कैसे पॉसिबल है। उस दिन से लेके आज तक परशुराम जी जो है महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर रहते हैं और वो अमर है। ये थी हमारे सुंदर सी परशुराम जी की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।